जहाँ कोरोना से पूरी दुनिया परेशान हो गई है, वहीं कुछ राहत की खबरें भी मिली है। वैसे अभी कोरोना के लिए कोई भी वैक्सीन रेडी नहीं हुई, पर लगता है बहुत जल्द वैक्सीन बन जाएगी। अभी जो प्रोसेस कोरोना पेशेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफी हद तक का बेहतर साबित हो रहे हैं, रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वो प्रोसेस है प्लाज्मा थेरेपी। ये सबसे पहले चाइना में इस्तेमाल की गई और भारत में भी इसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है और रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कुछ बहुत ही अहम सवालों के जवाब, तो बने रहे वीडियो के एंड में। तो फर्स्ट इज डेट व्हाट इज प्लाज्मा, सेकंड इज डेट व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी, थर्ड इज डेट हाउ वर्क्स द प्लाज्मा थेरेपी एंड हाउ इट्स द प्रोसेस, फोर्थ इज डेट हाउ मच यूजफुल प्लाज्मा थेरेपी ऑफ कोरोना पेशेंट। तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, एक भी चीजें मिस मत कीजिएगा। तो WHO ने भी इस थेरेपी को इस्तेमाल करने के लिए सहमति दे दी है। तो जानते हैं कि प्लाज्मा क्या है। तो हमारे ब्लड में कई तरह के कंपोनेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। ब्लड लेकर जब उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाया जाता है तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं। इमेज में आप देख पा रहे हो जो लाल रंग का है वो RBC है, रेड ब्लड सेल, उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो है व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, और येलोइश कलर का जो आपको लिक्विड टाइप से दिख रहे वही है प्लाज्मा। इसी में एंटीबॉडी होते हैं, इसलिए प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जा रहा है कोरोना पेशेंट के लिए। अब जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी। डोनर के ब्लड से जो प्लाज्मा निकालते हैं उसे कोरोना पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो उसे ही प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट, हाउ वर्क्स द प्लाज्मा थेरेपी। इसके लिए थोड़ा सा एंटीबॉडी को समझना होगा, थोड़ा डिटेल्स में इसे जानेंगे। अरे नहीं नहीं अभी वीडियो स्किप मत कीजिएगा प्लीज, बहुत ही जरूरी बातें हैं, वीडियो को पूरा देखिए, ये बहुत ही जरूरी टॉप पॉइंट्स है ये जो कि आप मिस कर दोगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक प्लीज। तो देखिए, हमारी बॉडी में एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है। अब कहिएगा ये एंटीजन किस चिड़िया का नाम है, तो एंटीजन वो है जो बाहर से वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, तो वो हो गए एंटीजन। ठीक है, तो ये जब बॉडी में जाता है तो कुछ हमारे बॉडी में सेल रिसेप्टर होते हैं जो इसे पकड़ते हैं, जैसे एक पुलिस चोर को पकड़ता है ठीक उसी तरह, और उसकी पहचान करते हैं। पहचान आसानी से, अगर कोई नया वायरस है तो पहचान करने में दिक्कत होती है, और अगर कोई पुराना वायरस है तो आसानी से पहचान कर ली जाती है। जब पहचान हो जाती है तो फिर एंटीबॉडी बनाए जाते हैं और इसे फिर डिफीट करने के लिए, और ये एंटीबॉडी और सभी को इन्फॉर्म कर देता है बॉडी के सेल को कि वार करो सब मिलकर और इसे हमला बोल दो। तो वैसे तो हमला सभी बोल देते हैं, तो जल्दी से वायरस फिर या बैक्टीरिया जो भी बॉडी में जाता है वो किल हो जाता है, लेकिन वो एंटीबॉडी बॉडी के अंदर ही रहते हैं। वायरसेस बैक्टीरिया किल हो जाते हैं बाहर से जो जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडी बॉडी में रहते हैं। फिर ये ऐसा इसलिए क्योंकि फिर जब कभी बॉडी में फिर से उस वायरस या बैक्टीरिया का अटैक हो तो वो एंटीबॉडी जल्दी से उसे किल कर सके, जल्दी से उसे पहचान सके। ओके, इसी तरह सेम केस कोरोना में हो रहा है। ये कोरोना न्यू है, इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी शरीर में मौजूद पहले से नहीं है, क्योंकि ये किसी को पहले हुआ नहीं है, तो है नहीं, तो इसे पकड़ सकने समझने में बॉडी को टाइम लग रहा। तो जो कोरोना के पेशेंट ठीक हो गए हैं उनके बॉडी में ये कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी है, तभी तो ठीक हुए। ठीक है, तो उसके लिए उनमें कोरोना ठीक हो गया पर उनके बॉडी में एंटीबॉडी है, तो इसी एंटीबॉडी को कोरोना पेशेंट को दी जा रही है उसके इम्यूनो को बूस्ट करने के लिए, ताकि वो कोरोना को किल कर सके। ओके, ये प्रोसेस अब होता कैसे है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि एंटीबॉडी बॉडी में कैसे बनता है और कैसे वॉर करता है और कोरोना के पेशेंट को क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, ऑल इन दैट, अब ये प्रोसेस कैसे होता है। ये प्रोसेस होता है कि डोनर के ब्लड से ब्लड लिया जाता है और प्लाज्मा उसमें से अलग किया जाता है, और फिर टेस्ट किया जाता है प्लाज्मा की कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस ABC वगैरह वगैरह, और भी कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। फिर उसके बाद उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी परसेंटेज देखी जाती है कि कितने परसेंट एंटीबॉडी है, तभी वो पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, जिससे ही ये प्लाज्मा का प्रोसेस इसी तरह से होता है। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि हाउ मच वर्क्स द प्लाज्मा थेरेपी ऑन कोरोना पेशेंट, क्योंकि ये बहुत ही अभी इसकी कोई खास पुष्टि नहीं की गई है, अभी ये सभी प्रोसेस चल रहे हैं, टेस्टिंग चल रहे हैं, कोई भी इसकी एक परफेक्ट रिजल्ट अभी तक का देखने को नहीं मिली है, लेकिन हाँ कुछ हद तक का जितने भी अभी पेशेंट को ये दिए गए हैं पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। दिल्ली में ये प्रोसेस हुए हैं सीरियस मरीज को एक जो कि ठीक हो चुके हैं, और कुछ कुछ ठीक भी हो रहे हैं। तो ये अभी रिजल्ट अभी समझिए टेस्टिंग पर है, फुल इसकी अभी कोई भी
डिटेल्स नहीं मिली है, या फिर ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोरोना की ट्रैक्शन है, तो अभी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। आई उम्मीद करते हैं कि ये प्लाज्मा थेरेपी वर्क कर जाए और काम कर जाए कोरोना पेशेंट के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मैं सही तरीके से समझा पाई हूँ। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को यूजफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर दीजिए, कमेंट में बताएं कि आपके ख्याल में कितने कोरोना मरीज ठीक हैं और वीडियो कैसे लगी। इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि जो नहीं जानते प्लाज्मा थेरेपी क्या है उनके बारे में वो जान जाए। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ में। मैंने उम्मीद करती हूँ आपकी जो भी विश है वो जरूर पूरी हो और मुझे इस पर यकीन है।